दोस्तों, वैसे तो भारत में एक से एक सिंगर हुए हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ों से लोगों के दिलों को जीत रखा है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 ग्रेट सिंगर के बारे में। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, बेनी डेल। वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप सिंगर इज बेनी डेल। इनका जन्म 13 मई 1984 में केरल में हुआ। उन्होंने 2000 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की और कुछ ही सालों में फेमस हो गए और अपनी मधुर आवाज़ से लाखों लोगों के दिलों को जीत चुके हैं। नंबर 9, कृष्णा कुमार कन्नत। आज इनको पूरा देश केके के नाम से जानता है। इन्होंने अपनी आवाज़ से आज लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। 1990 के दशक में अपने करियर की शुरुआत करने वाले केके आज देश के लाखों करोड़ों लोगों की जान बन चुके हैं। नंबर 8, श्रेया घोषल। श्रेया घोषल ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से लाखों लोगों के दिलों को जीत लिया है। अपने पूरे करियर में उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार भी मिले हैं। आज इन्होंने अपना नाम टॉप 10 बेस्ट सिंगर की लिस्ट में बना लिया है। इंस्टाग्राम पर इनके 29 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। नंबर 7, जावेद अली। जावेद अली को कौन नहीं जानता, जिन्होंने देश के संगीत जगत में अपने अलग ही पहचान बनाई है। इनका जन्म 5 जुलाई 1982 में दिल्ली में हुआ। इनके पिता दादा सभी भारतीय संगीतकार थे। नंबर 6, सोनू निगम। सोनू निगम को देश के संगीत जगत में सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित शख्सियतों में से जाना जाता है। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1990 के दशक में की थी और जल्द ही बॉलीवुड में फेमस हो गए। नंबर 5, नेहा कक्कर। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत टेलीविजन शो से की। 2006 में गायन रियलिटी शो इंडियन आइडल के दूसरे सीजन में इन्होंने लोकप्रियता हासिल की और आज अपनी मधुर आवाज़ से नेहा बॉलीवुड की सबसे अधिक मांग वाली सिंगर बन गई है। आज इनके इंस्टाग्राम पर 76 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। नंबर 4, पलक। पलक ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरीज से की थी और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बॉलीवुड की सबसे जानी मानी सिंगर बन गई है। इन्होंने प्रेम रतन धन पायो, आशिकी 2, MS धोनी जैसी फिल्मों में काम किया। नंबर 3, मोहित चौहान। 1990 के दशक में मोहित ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से लोकप्रियता हासिल की। इन्होंने फितूर जैसी फिल्मों में काम किया। नंबर 2, जोबी नोटियाल। इनका जन्म 14 जून 1989 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। इनके पिता भी संगीतकार थे। इनके दिल में सिंगिंग के लिए एक यूनिक ही टैलेंट था। जोबी नोटियाल ने दिल चाहता हो लुट गए जैसे गानों से लोकप्रियता हासिल की। नंबर 1, लाखों करोड़ों लोगों की धड़कन, जिनको देखने और सुनने के लिए लाखों लोग पागल हो जाते हैं, उनका नाम है अरिजीत सिंह। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत संजय लीला भंसाली के साथ की थी और आज ये लाखों करोड़ों लोगों की जान बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 सिंगर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।